अल्पसंख्यक एकता मंच के जिला संयोजक मोहम्मद फैज अहमद उर्फ तमन्ने की अध्यक्षता में राजूपट्टी स्थित कार्यालय में बैठक की गई। अल्पसंख्यक एकता मंच के संस्थापक मोहम्मद तनवीर अहमद की मौजूदगी में संगठन कमेटी का विस्तार करते हुए ग्राम खरपट्टी रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के खरपट्टी गांव निवासी नूर आलम शेख को सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। वहीं नव निर्वाचित श्री शेख ने कहा, जो हमें जिम्मेदारी दी है उसे दिन रात मेहनत करके लोगों तक पहुँच बनाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। संस्थापक मोहम्मद तनवीर अहमद ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक एकता मंच आंदोलन करेंगी। इस मुहिम में छात्र, युवा, किसान, महिला, समाज से भी जनप्रतिनिधि सभी दल के नेता को जोड़ेंगे। आज अल्पसंख्यक एकता मंच के माध्यम से कमेटी का विस्तार हो रहा है, जिसमें सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में आज मोहम्मद नूर आलम शेख को एक जिम्मेदारी पद दिया जा रहा है। मैं नूर आलम शेख जी को गुजारिश करूंगा कि आपके नेतृत्व में जो जिम्मेदारी जो दी गई है उसमें कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी भूमिका बढ़ गई है, और मैं नूर आलम पर भरोसा भी करता हूँ कि अल्पसंख्यक एकता मंच के प्रचार प्रसार और जमीनी सतह पर कार्य करने का जो दायित्व दिया गया उसको पूरी तरह निभाएंगे। सबसे पहले जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तनवीर भाई, जो हमारे अल्पसंख्यक एकता मंच के जो है संगठन के जो है बहुत बड़े जो है जिम्मेदार लोग हैं, और उसके बाद जितने भी अल्पसंख्यक एकता मंच के संगठन के जितने भी लोग हैं बड़े छोटे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो इनके अल्पसंख्यक एकता मंच के इधर से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है सोशल मीडिया जिला स्तर पर, तो मैं इसको हर प्रखंड, हर विधानसभा पे जो है कमेटी विस्तार कर होगा, और उस पर जो है इसको जमीनी स्तर सोशल मीडिया के जरिए से ही विस्तार करेंगे, और साथ ही साथ जमीनी स्तर से भी जो है हम संगठन के लिए